press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फाइनेंशियल अड्डा में। दोस्तों, जैसे कि जो हमारी आखिरी वीडियो लास्ट वीडियो थी, उसमें हमने इंट्रोडक्शन बैंक की सारी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, जिसमें हमने जाना था बैंक की हिस्ट्री, बैंक क्या काम करता है, बैंक कैसे डिपॉजिट लेता है, कैसे उसे लेंड करता है, हमने इस सब के बारे में जाना था। अब दोस्तों, आज हम जानेंगे बैंकिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो दोस्तों, ये पार्ट वन है वीडियो का, जिसमें हम जानेंगे बैंक रेट क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है बैंक रेट। बैंक रेट वो है जो सेंट्रल बैंक चार्ज करती है जब वो कमर्शियल बैंक्स को फंड्स लेंड करती है। जो रेट वो उनसे चार्ज करती है वो होता है बैंक रेट। बैंक रेट इज़ अ रेट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक फॉर लेंडिंग फंड्स टू कमर्शियल बैंक। बैंक रेट इन्फ्लुएंस लेंडिंग रेट टू कमर्शियल बैंक। Higher bank rate will translate to higher lending rate by banks in order to curb liquidity. The central bank can resort the raising the bank rate and vice versa. Actually, दोस्तों, bank rate वो rate है जो commercial central bank charge करती है commercial bank से जब वो उनको money lend करती है। तो दोस्तों, ये rate अभी बढ़ भी जाता है और कभी कम भी होता रहता है। तो ये दोस्तों, सही बात बताऊं तो आपको जो लिक्विडिटी को देख के ही ये रेट डिसाइड होता है। ये रेट डिसाइड करता है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो करंट बैंक रेट जो है वो है 6.50%। अब दोस्तों, हम जानेंगे कैश रिजर्व रेशियो, CRR। तो दोस्तों, कैश रिजर्व रेशियो को हम एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज कपिल वर्क्स इन अ ब्रोकरेज फर्म वेयर ही गेट्स अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। Mom made a rule, Kapil cannot spend 20% of the total money and keep it as a reserve. How much money is available for Kapil to spend? अब देखो दोस्तों, कपिल एक ब्रोकरेज फर्म में काम कर रहा है जहाँ उसको ₹10,000 मंथली सैलरी मिल रही है। उसकी मॉम ने एक रूल करा कि आप 20% आप स्पेंड नहीं करोगे और इसको एक रिजर्व रखोगे या आप उसको कहीं इन्वेस्ट करोगे कि वो आपके लिए सेव रहे पैसे। तो दोस्तों, अब 10,000 के 20% 2,000 तो कपिल हर मंथ सेव कर लेता है। इस कॉन्सेप्ट को हम कैश रिजर्व रेशियो कहेंगे। ऐसे ही बैंक कुछ पैसा RBI में कैश रिजर्व रखता है, जिससे वो कल को कोई प्रॉब्लम अगर बैंक को फेस कर जाए तो वो वहाँ से अपना RBI से अपना पैसा लेकर वो लिक्विडिटी, मतलब सपोज कोई बैंक को कल एकदम से पेमेंट करनी पड़ जाए और बैंक के पास कैश या लिक्विडिटी कुछ भी नहीं है, तो वो अपना पैसा जो RBI के पास उसने रिजर्व रखा हुआ था तो वो उससे कलेक्ट कर सकती है, RBI से मांग सकती है और आगे लेंड कर सकती है, या मतलब जिसने डिमांड करी उसको पैसा दे सकती है। अब ये दोस्तों, हम डेफिनेशन इसकी जानेंगे। कैश रिजर्व रेशियो CRR इज अ स्पेसिफाइड मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट ऑफ कस्टमर विच कमर्शियल बैंक्स हैव टू होल्ड एज अ रिजर्व आइदर इन कैश आर एज अ डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक। CRR इज सेट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। तो दोस्तों, ये था CRR। CRR दोस्तों 4% है। सपोज अगर बैंक के पास किसी कस्टमर ने डिपॉजिट करा ₹10,000, तो उसका 4%, दैट इज ₹400, वो बैंक RBI के पास रिजर्व रख देगा। ये दोस्तों CRR का कॉन्सेप्ट है। अब हम जानेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दैट इज SLR। दोस्तों, बैंक की जितनी भी टोटल लाइबिलिटी और टोटल एसेट्स होते हैं उसके हिसाब से बैंक क्या करता है, वो एक रिजर्व बना लेता है। दैट सपोज मान लीजिए आपकी बैंक की टोटल वैल्यू, हमारे पे टोटल लाइबिलिटी है, जो डिपॉजिट्स हमारे पास आए टोटल है ₹10,000, उसमें से बैंक ने क्या करा, एक 2,000 मान लीजिए रिजर्व रख लिया और बाकी के 8,000 लेंड कर दिए। दोस्तों, SLR मेंटेन इसलिए करना होता है बाई चांस कोई डिमांड कर ले एकदम से, कस्टमर किसी ने FD भी कराई हो या किसी ने डिपॉजिट कराए, एकदम से कस्टमर डिमांड कभी भी कर सकता है। इसमें उसके पास कोई ये नहीं होगा कि वो डिमांड नहीं कर सकता, बीच में अपना पैसा नहीं निकाल सकता। कस्टमर जो बैंक की कस्टमर्स होते हैं वो कभी भी डिमांड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बैंक को इसीलिए SLR मेंटेन करना होता है। अब सपोज करो बैंक ने पूरे 10,000 लेंड कर दिए, जो 10,000 डिपॉजिट आए 10,000 पूरे लेंड कर दिए, अब एकदम से डिमांड आ गई, अब उसको बैंक को देने के लिए कोई मतलब रिजर्व ही नहीं है। तो RBI ने SLR मेंटेन करने के लिए एक पॉलिसी लेके आए SLR, जिससे बैंक ने, अब मान लीजिए वो 2,000 रिजर्व रखा, अब एकदम से एक कस्टमर आया उसने 1,500 रुपीज़ की डिमांड करी और बैंक ने इमिजिएटली उसको अपने SLR से 1,500
दे दिए। अब दोस्तों हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे। बैंकर्स इंडिकेट द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट द बैंक हैज़ टू मेंटेन इन फॉर्म ऑफ गोल्ड कैश और अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज टू इट्स लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मीन द डिपॉजिट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर। दोस्तों SLR जरूरी नहीं कि कैश मेंटेन हो, ये हम उस चीज़ में मेंटेन कर सकते हैं जो कि जल्दी से जल्दी लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो सके। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स अगर हमने अपने रख लिए हैं तो गवर्नमेंट बॉन्ड बहुत जल्दी लिक्विडिटी में कन्वर्टेबल हो जाते हैं। SLR refers to the proportion of deposits of the commercial bank is required to maintain with them in form of liquid asset in addition to cash reserve ratio. In the definition, the liquid assets are the asset readily convertible into cash. Liquid assets वो हम उसमें रखते हैं SLR को जो convertible जल्दी हो जाए cash में। ये include करता है government bonds, government approved securities, gold या cash reserve। ठीक है दोस्तों, ये था SLR। और टुडे का SLR का जो रेट चल रहा है वो है 19.5%। अब हम दोस्तों जानेंगे रेपो रेट के बारे में। दो होते हैं, एक रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट। अब सबसे पहले हम जानेंगे रेपो रेट। RBI गिव्स शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू बैंक एट अ इंटरेस्ट रेट, दैट रेट इज रेपो रेट। RBI क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कभी कभार कमर्शियल बैंक्स को इमिजिएटली लोन की जरूरत होती है शॉर्ट टर्म के लिए। मान लीजिए 3 दिन के लिए बहुत 1000 करोड़ की बैंक को इमरजेंसी है, रिक्वायरमेंट है। उसने क्या करा, RBI में अप्रूवल वगैरह कि मेरे को 1000 करोड़ दिया जाए, तो RBI ने अप्रूव कर दिया कि ठीक है इस बैंक को 1000 करोड़ दे देंगे। जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट होता है रेपो रेट। इंक्रीज इन रेपो रेट मीन्स इट बिकम मोर एक्सपेंसिव फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम RBI। जो रेपो रेट में इंक्रीज हो जाए इसका मतलब होता है जो बैंक ने बोरो करना RBI से, वो उसको अब ब्याज, जो पहले इंटरेस्ट लग रहा था वो कम है, अब इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया, तो मतलब उसने जो पैसा लेना है RBI से, पैसा लेना है, लोन लेना है, वो महंगा हो जाएगा। अब इसके हम दोस्तों डेफिनेशन जानेंगे। रेपो रेट इज़ अ रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन केस ऑफ इंडिया, लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ फंड। कभी दोस्तों फंड की रिक्वायरमेंट हो या फंड नहीं हो तब ये ज़्यादातर किया जाता है। रेपो रेट इज़ यूज्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटीज़ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन को रोकने के लिए या इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए रेपो रेट बना है। दोस्तों अभी जो रेपो रेट चल रहा है वो है 6.25%। अब हम दोस्तों जानेंगे रिवर्स रेपो रेट। बैंक डिपॉजिट सरप्लस कैश टू RBI एट अ इंटरेस्ट रेट, दैट रेट इज़ रिवर्स रेपो रेट। जैसा कि दोस्तों हमने रेपो रेट में पढ़ा था कि बैंक लोन प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को, RBI प्रोवाइड करता है लोन कमर्शियल बैंक को, और जो कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट देते हैं वो होता है रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में उल्टा होता है, वाइस वर्सा है ये, दैट जैसे बैंक के पास बहुत सारा सरप्लस कैश है तो वो RBI को भी लेंड कर सकता है, वो RBI को लोन प्रोवाइड कर सकता है। कमर्शियल बैंक RBI को लोन जो प्रोवाइड करेंगे उसमें जो इंटरेस्ट आएगा उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब इसकी पूरी डेफिनेशन जानेंगे। रिवर्स रेपो रेट इज अ रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बोरोस मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। आप दोस्तों समझ रहे हो, जो हम मनी बोरो कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरो कर रहा है कमर्शियल बैंक से, फ्रॉम कमर्शियल बैंक। इट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द कंट्री। अब दोस्तों एकदम से मनी सप्लाई बढ़ जाती है, जैसे कमर्शियल बैंक्स के पास बहुत एक्स्ट्रा पैसा आने लग जाए तो RBI उनसे क्या करता है कि वो लोन ले लेता है अपने पास, कि जिससे थोड़ी मनी सप्लाई वो कंट्रोल हो जाए। एंड इंक्रीज इन द रिजर्व रेट विल डिक्रीज द मनी सप्लाई एंड वाइस वर्सा, अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट। एंड इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट मीन्स दैट कमर्शियल बैंक्स विल गेट मोर इंसेंटिव टू पार्क देयर फंड्स विद द RBI, देयर बाय डिक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट। इससे दोस्तों रिवर्स रेपो रेट से क्या होता है कि अगर एकदम से मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है कंट्री में तो बैंक कमर्शियल बैंक से लोन ले लेता है, मतलब वो पैसे ले लेता है अपने पास और उसको अपने पास या तो सेव कर लेता है या उसको कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से थोड़ी मनी सप्लाई, जो मार्केट में एकदम से मनी सप्लाई बढ़ जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, हमारे जितने भी मार्केट की रेट हैं, ये सारे बैंक के अलग अलग रेट हैं। अब रिवर्स रेपो रेट इस टाइम जो है वो 6%। दोस्तों ये थी आज की हमारी बेसिक बैंकिंग कॉन्सेप्ट का पार्ट 1। पार्ट 2 बहुत जल्द आ जाएगा। पार्ट 2 में हम अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, चेक्स के बारे में पढ़ेंगे, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट में क्या डिफरेंस होता है, NEFT क्या है, IMPS क्या है और RTGS इन में क्या डिफरेंस है। दोस्तों ये नेक्स्ट वीडियो में हमारा मेन टॉपिक्स रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी,
आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फाइनेंस।